हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लेफ्ट ओवर रसगुल्ले से रसमलाई बनाने की रेसिपी। तो आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही टेस्टी, यम्मी और ज़बरदस्त बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को घर में ट्राई करिएगा। होप वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी के साथ। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा फुल क्रीम 1 kg, 1 kg दूध चाहिए होगा हमें फुल क्रीम, और कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए होंगे, किशमिश, काजू, पिस्ते, बादाम वगैरह आपके पास जो अवेलेबल हो ले लें। और आपको चाहिए होंगे रसगुल्ले, तो या तो आप रसगुल्ले घर में भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास बचे हों उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट से ला कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने रसगुल्ला लिया हुआ है, हमारे यहाँ पड़ा हुआ था तो उसका लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका रस निकाल लेंगे, रसगुल्ले का सारा रस निकाल कर अलग कर लेंगे और रसगुल्ले को अलग कर लेंगे। तो आप बहुत सावधानी से इसे प्रेस करके इसके रस को निकालें, क्योंकि फिर ये टूट भी सकता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ सबसे पहले रसगुल्ले का रस निकाल ले रही हूँ, सारे रसगुल्ले का। और आपको खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल रसमलाई के जैसे आएगी, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएगी। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिए। तो ये देखिए, इसका रस मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे रसगुल्ले मेरे सारे रस निकल कर रेडी हो गए हैं। और चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये देखिए, दूध में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे उसको ऐड करेंगे दूध के अंदर और इसे मिक्स करेंगे। एक छोटी सी इलायची डालेंगे, या तो इलायची को क्रश करके डालिए, इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर रोज़ वाटर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, उसे भी मिक्स करेंगे और दूध को हम बिल्कुल हाफ़ होने तक पकाएंगे, जब तक कि ये दूध बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए, आधा ना हो जाए, तब तक इसे हमें कुक करना है। तो आप अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते रहिए और आप पकाते रहिए। और थोड़ा सा पकने के बाद अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जितने मीठा आपको पसंद हो उतना ऐड करें। तो यहाँ मैंने चीनी ऐड कर दिया है और अब अच्छी तरह से इसे उबालते हुए हाफ़ कर लेंगे दूध को। तो ये देखिए, दूध बिल्कुल रसमलाई वाली दूध बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें रसगुल्ले को ऐड करना है। तो आपको रसगुल्ले को कब ऐड करना है, दूध बिल्कुल गर्म होना चाहिए आपका। तो सब जिस टाइम आप दूध, अगर आप रसमलाई का दूध तैयार कर रहे हों तो दूध गर्म हो तो उस टाइम आप रसगुल्ले को ऐड कर दें। दोनों में से एक चीज़ कोई भी गर्म होनी चाहिए, या तो फिर अगर रसगुल्ले बना रहे हो तो रसगुल्ले गर्म होने चाहिए, या तो फिर दूध बना रहे हो तो दूध गर्म होनी चाहिए। तो आप जैसे फ्लेम को ऑफ करें, रसगुल्ले को उसमें ऐड करें और ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसे हम फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, मैंने फ्रीज़र में सेट कर लिया है इसे, और आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही लाजवाब बन के रेडी हुई है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ फिर एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।